हेलो दोस्तों, आज मैं येस बैंक के ऊपर एक टेक्निकल और हिस्टोरिकल वीडियो बनाना चाहता हूं। दोस्तों, अगर येस बैंक के साथ फ्रॉड नहीं हुआ रहता तो यही दोस्तों आज के डेट में ये कम से कम आपको 700 to 800 के प्राइस में ट्रेड करते हुए नज़र आता दोस्तों, येस बैंक। लेकिन येस बैंक ने दोस्तों यहाँ पर 5 रुपीज़ को टच किया है। किसके वजह से दोस्तों ये सब कुछ हुआ है? इन राणा कपूर जी के वजह से। और अभी जो है दोस्तों, राणा कपूर जी को जो है अरेस्ट कर लिया गया है, उनको जो है कोर्ट में भी लेके जाया गया है। और दोस्तों, जब ये अरेस्ट हुए तो अरेस्ट होने के बावजूद इन्होंने जो है चुपके से 1000 करोड़ रुपए का जो है प्रॉपर्टी सेल करने का नोटिस जारी किया दोस्तों, और वो भी किसी को बिना बताए। और इन्हीं के वजह से बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको लॉस हुआ है, तो ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे चारों तरफ से लोगों ने उनको घेरा है, प्लस में उनको पकड़ के भी लेके जा रहा है, क्योंकि दोस्तों कभी कुछ मतलब हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि इन्होंने जो है देश से भागने का भी मतलब मौका था इनके पास, और इन्होंने जो है भागने का कोशिश भी किया, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों हमारे देश के निर्मला सीतारमण कॉमर्स मिनिस्ट्री ने हर जगह जो है पाबंदी लगा दिया, और सेबी भी चारों तरफ से इनके पीछे पड़ चुका है। जितना भी पैसा खाया गया है दोस्तों येस बैंक के लिए, इनको सारे तरह से जो है निकाला जाएगा। और आपको एक चीज़ और बताना था, यस बैंक के सीईओ होने के नाते दोस्तों इन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे डिफॉल्ट लोन और बैड लोन बांटे हैं सब लोगों को, DHFL और नीलम अंबानी, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर, आरकॉम के लिए, ऐसे सारे बहुत सारे हैं। तो उनके वजह से जो है यस बैंक को बहुत ज़्यादा गिरना पड़ा। वो सब किस लिए हुआ? बैड लोन की वजह से हुआ। अगर आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है तो लाइक करके इंडिकेट कीजिएगा, आने वाले जो अगले लोग हैं उनको भी पता चले कि हाँ क्या सही है, क्योंकि उनका भी पैसा गया और इनका भी पैसा गया, मतलब सब लोगों का, आपका भी गया। तो इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, उन्होंने क्या किया था, डिफॉल्ट लोन लिया था, और सब लोगों को बोलते थे कि भाई तुम 10 लो, 10 के जगह तुम 2 मेरे जो है बैंक में या किसी तरह जो दे दो, बस ये इलीगल तरीके से मुझे दे दो, और जो लोगों को पता ना चले। और सब लोगों को ये लगता था कि यस बैंक ने बहुत सारे जो है डिफॉल्ट लोन दिए हैं और दोस्तों बैड लोन दिए हैं, जिसके वजह से गिरना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यस बैंक को अंदर से खोखला किया जा रहा था। वही शख्स आज पुलिस की कस्टडी में है दोस्तों, और लगता है कि आप लोगों को धीरे धीरे न्याय मिलेगा। आपको लगता है कि ये सही है जो इनको ले जाया जा रहा है हर जगह से? और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो फिक्स डिपॉजिट करवाए थे, वो डर गया दोस्तों, इन्हीं के वजह से जो है येस बैंक आज इतना पीछे हो गया। और ऊपर से जितने लोगों का ट्रस्ट सिस्टम था येस बैंक के ऊपर, वो भी टूट चुका है। तो ये वो शख्स था दोस्तों जिसके वजह से येस बैंक आसमान नहीं छू पाया। इतना अच्छा और लॉयल बैंक दोस्तों इसको डुबा दिया गया है, वो भी इंटेंशनली। लेकिन आज के डेट में दोस्तों येस बैंक यहाँ पर देख सकते हैं 35% करके ये ऊपर चढ़ रहा है। हालांकि जितने लोगों का पैसा डूब चुका है, धीरे धीरे निकलने का कोशिश ज़रूर किया जाएगा दोस्तों, और येस बैंक को इम्प्रूव किया जाएगा। अगर आप भी उसके साथ हैं तो प्लीज़ लाइक करके इंक्रीज़ कीजिएगा, ताकि सब लोगों को पता चले कि जो बुराई थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। पहले बैलेंस शीट को गलत दिखाया जाता था, लेकिन बैलेंस शीट गलत था नहीं, बैलेंस शीट को गलत बनाया गया था, वो भी राणा कपूर जी की वजह से। क्यों? ताकि दोस्तों जितने भी लोग हैं उनको ये बताया जाए कि पैसा जो है लॉस हुआ है बैड लोन की वजह से, और आधा से ज़्यादा तो दोस्तों वो मतलब फ्रॉड ही करते थे, तो उसकी वजह से बैंक डूबा था। लेकिन अब सेबी, RBI जो भी है दोस्तों, सब साथ में है, और यस बैंक को डूबने नहीं देने का ऐलान किया गया है, और ये जो है अब गोइंग कंसर्न भी रहेगा। और दोस्तों
मतलब ऐसे ही अगर ग्रोथ होते रहा तो भाई यस बैंक आने वाले दिनों में भी अच्छा से अच्छा ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, जब भी कहीं पर पैसा लगाएं तो कॉन्शियस होकर पैसे लगाना चाहिए, उसका मैनेजमेंट सही होना चाहिए, नहीं तो डुबाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो था, अगर आपको लग रहा है कि अब यस बैंक के साथ न्याय हो रहा है और सही हो रहा है, राणा कपूर जी को जो सज़ा मिलना था वो मिल रहा है, तो भाई ये तो होना ही चाहिए था, क्योंकि उनके वजह से लोगों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, तो अगर और भी कोई न्यूज़ मिलता दोस्तों यस बैंक की वजह से, और एक चीज़ और है मैं बताना चाहता हूँ, येस बैंक जो आपको जो अभी प्राइस दिख रहा है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि दोस्तों स्टेट बैंक के जो चेयरमैन है वो बता रहे हैं कि येस बैंक को जो 10 रुपीज़ के आसपास लिस्टेड करेंगे, 10 रुपीज़ के आसपास, मतलब कि दोस्तों अगर आपके पास 300 स्टॉक है तो आपको मिलेंगे कितने, केवल 100 स्टॉक, मतलब अगर आपके पास 30 रुपीज़ का स्टॉक है तो आपको मिलेगा कितना, केवल 10 रुपीज़ का। अगर इसके ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कॉमेंट कर दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर जो है चर्चा कर देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और राणा कपूर जी या यस बैंक के ऊपर कोई भी अगर वीडियो चाहिए या अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करूंगा।